सरकार कई योजनाएं लाई है आप लोगों के लिए, 1000 रुपया दे रही है, फिर भी आप लोग दूसरा पार्टी को छोड़ के जयराम महतो की पार्टी का प्रचार प्रसार उनका नाम कर रहे हैं। भैया वही पैसा तो लेके आए। अच्छा वही पैसा से आप लोग? बिल्कुल, जयराम महतो का अगर समर्थन में जो भी खड़े है मैं वहाँ वहाँ पहुँचूंगा, जहाँ जहाँ तक मैं एफर्ट कर पाऊंगा। अभी आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, क्या रामगढ़ में कैची चलेगा इस बार? जी बिल्कुल, पूरा कैची चलेगी और अगला का यहाँ पे जो भी खड़ा है सुनीता चौधरी पता करने वाला है। आज कुछ पैसा कौड़ी आप लोगों को दिया गया है क्या? बेरोजगार पैसा खुद चंदा देते हैं, अपना पैसा देके आए और चंदा भी देंगे। शामिल ये खास है कि देखिए हम लोग बिना पैसा सा है, कोई पैसा नहीं लगा है, सब अपना पैसा सा। दूसरा पार्टी पैसा दे कर आ रहा है, उसमें कोई नहीं जा रहा। कल सुन रहे थे कोई पार्टी का नॉमिनेशन था, 500, 200, 400 मिल रहा था, लेकिन कोई नहीं जा रहा था, बैठ के सब अपना पैसा लगा का है सब कुछ। जोहार नमस्कार दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर और आज है टाइगर जयराम महतो जेल के पार्टी उम्मीदवार है रामगढ़ विधानसभा, बेरोजगार पानेश्वर महतो, वो आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं क्या माहौल है। यहाँ पे माहौल आप देख सकते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, क्या जयराम महतो की पार्टी जेल केम के जो प्रत्याशी है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, बेरोजगार पानेश्वर महतो आज नामांकन के लिए जा रहे हैं और ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये उत्साह देख सकते हैं इनसे जानेंगे। क्या नाम होता है आपका? रामकृष्ण कुमार महतो। कहाँ से आए हैं आप? दुलमी प्रखंड गुड़ातू गाँव से। क्या लगता है इस बार बेरोजगार पानेश्वर को टिकट दिया गया है जेल केम की ओर से, मुकाबला होगा अच्छा खासा? अच्छा खासा मुकाबला होने का चांसेस है, अभी तो पूरा नहीं बोल सकते लेकिन पूरा जीत की ओर हम लोग अग्रसर है, क्योंकि न्यू पार्टी को दामन थामा गया है, तो इस दामन थामने के पीछे युवाओं का हाथ रहेगा और जुनून के साथ विजय का हासिल करने का काम करेगा। जयराम महतो की पार्टी है, जयराम महतो का विचार आपको कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है, हम लोग गरीब वाला पार्टी, गरीब के नीति के बारे में बात करता है, इसलिए उसके बाद के में चल करके और झारखंड के युवा, दुलमी प्रखंड के युवा, ये रामगढ़ विधानसभा के युवा पूरा उनके विचारधाराओं से आकर्षित होके उसके विचारों पर चलने के कदम पे मिला के चल रहे हैं। क्या नाम होता है आपका? विजय कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम आए रजरप्पा से। क्या ऐसा खास है कि आज अभी आप जयराम महतो की पार्टी में शामिल हुए हैं? शामिल ये खास है कि देखिए हम लोग बिना पैसा से आए हैं, कोई पैसा नहीं लगा है, सब अपना पैसा सा। दूसरा पार्टी पैसा दे कर आ रहा है, उसमें कोई नहीं जा रहा। कल सुन रहे थे कोई पार्टी का नॉमिनेशन था, 500, 200, 400 मिल रहा था, लेकिन कोई नहीं जा रहा था, बैठ के सब अपना पैसा लगा का है सब कुछ। बहुत भेड़ा। अच्छा अच्छा इधर पैसा उसे जयराम महतो तो इनके दे लोन की? नहीं नहीं, सब अपन पैसा सही नहीं अपन। ये देखिए माहौल और उत्साह देख सकते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, आज बेरोजगार पानेश्वर का नामांकन रैली में ये माहौल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो ओवर ब्रिज है और बेरोजगार पानेश्वर महतो अभी वहां पे गए हुए माल्यार्पण करने के लिए, और यहां का जो उत्साह और माहौल है उसको हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वहां पे देख सकते हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम कुमार? कहाँ से आए? ठंडी से। आप भी जयराम महतो के समर्थक है? समर्थक है। क्या ऐसा अच्छा लगता है जयराम महतो का, जो आप बहुत सारा पार्टी को देखते हैं 500-200 रुपया दे दे के ले जाता है लेकिन नहीं जा रहा है आदमी, अपने पॉकेट से लगा के आ रहे हैं, उसका हर खासियत अच्छा लगता है, जो भी एक एक दहाड़ता है ना शेर जैसा, सब कुछ अच्छा ही लगता है। क्या बेरोजगार पानेश्वर को टिकट दिया गया, गरीब घर का लड़का है, क्या वो निकाल पाएंगे इस बार? हाँ एक नंबर निकाल पाएंगे, सोच समझ के दिया गया है। सोच समझ के दिया गया। अच्छा उम्मीदवार चुने हैं जयराम। अच्छा आपका क्या नाम है? से बात करेंगे। दादा इधर आइए, झंडा लेके घूम रहे हैं, किसका झंडा है? जयराम महतो का। जयराम महतो को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कितना देर से जान रहे हैं? हम 2.5 साल से। 2.5 साल से जान। कैसा लगता है विचार जयराम महतो का? विचार धारा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हम लोग को सोए हुए थे, जगा दिए। आज कुछ पैसा कौड़ी आप लोग को दिया गया है क्या? बेरोजगार पैसा खुद चंदा देते हैं, अपना पैसा दे के आए और चंदा भी देंगे। सुना हमें चंदा भी दीजिएगा। हाँ पिछले बार भी दिए थे, पिछले बार अभी भी देंगे, मगर पैसा दे के हम लोग पैसा लिए नहीं दिए थे, और इस बार भी पानेश्वर महतो को देंगे और इस बार भी जयराम महतो को चंदा देंगे, मैंने नोट भी देंगे और वोट भी। हाँ वोट भी देंगे, जितना बनेगा 2000-4000 जैसा शक्ति उतना वोट देंगे। ये देख सकते हैं गजब का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और तमाम लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ महिलाएं लोग हैं, उनसे हम लोग जानेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आज माहौल है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, तमाम चीजों को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ महिला दीदी लोग भी यहाँ पहुंची है, इन लोग से बात करने का प्रयास। दीदी जोहार। जोहार। कहाँ से आए आप?
हम तो वैसे गोलक रहने वाले हैं लेकिन रांची से आए हैं। अच्छा, जयराम महतो की पार्टी से बेरोजगार 500 को टिकट दिया गया है, कैसा उम्मीदवार है? बहुत अच्छा है। अच्छा है? हाँ। क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप जयराम महतो की पार्टी में शामिल हुए? उनके विचारों से हम बहुत ज्यादा प्रभावित है, और तो वो है तो गरीबों से लेके, बेरोजगारों से लेके, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबको लेके बहुत अच्छे विचार उनके हैं, और बहुत सारे हैं, ऐसे तो गिनती नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे हैं। जयराम महतो ऐसे प्रत्याशी हैं जो ना एक रुपया लोगों को दे रहे हैं, ना कहा जाए तेल का भी खर्चा नहीं दे रहे हैं, फिर भी हजारों हजार की लोग पहुंच रहे हैं उनके नामांकन रैली में आज बेरोजगार पाने सरकार में। सरकार कई योजनाएं लाई है आप लोगों के लिए, 1000 रुपया दे रही है, फिर भी आप लोग दूसरा पार्टी को छोड़ के जयराम महतो की पार्टी का प्रचार प्रसार उनका नामांकन रैली में। भैया वही पैसा तो लेके आए। अच्छा, वही पैसा से आप लोग जो सरकार से वही पैसा लेके इनका प्रचार में तो आए? अच्छा, प्रचार में तो नहीं आया, ऐसे तो उनके सपोर्ट के लिए ही लिया है। और ऐसे अच्छा, सरकार एक हजार रुपया दे रही है, उसमें क्या कहिएगा? वो तो प्रलोभन है। प्रलोभन? हाँ, प्रलोभन है, सिर्फ वोट के लिए सरकार। देखिए, अगर उनको करना ही रहता तो 5 साल वो कहाँ गए हुए थे? 5 साल में तो वो बहुत सारी योजनाएं कर सकते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और अगर अगर बात करें अभी मैया सम्मान योजना का, वो है तो एक तरह से प्रलोभन ही है। महिला सब अगर अभी अगर अभी जागरूक नहीं हो सकते तो फिर ये मतलब ये समझ ले फर्स्ट एंड लास्ट है, उसके बाद ना आपको मौका मिलेगा अपने अपने खुद के लिए है तो बात करने का, और अपने सम्मान को लेके आप है तो जयराम ही जयराम भैया जी के हैं जो है, वही है सो बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लेके, स्वास्थ्य को लेके, वो मतलब बेस्ट है। आपके आपके क्षेत्र में दो दो महिला नेत्री हैं अभी, ममता देवी, सुनीता चौधरी, और ये जो बेरोजगार पानेसर है वो जेंट्स से आते हैं, तो महिलाएं क्या इस बार पानेसर महतो का सपोर्ट कर रही है? हाँ, महिलाएं पुरजोर सपोर्ट कर रही हैं, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि उनके सपोर्ट में है सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सावित्री देवी। कहाँ से आए हैं? से। क्या लगता है आप ही का गांव के है बेरोजगार पानेसर, कैसा लड़का है? पानेश्वर महतो जिंदाबाद, आज का नेता कैसा रहेगा? पानेश्वर महतो जैसा रहेगा, आज का नेता कैसा रहेगा? अच्छा, इस बार आप लोग वोट नेता नहीं चाहिए, टिकाऊ नेता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जरा महतो जिंदाबाद, 1932 का त्याग लागू करो, टिकाऊ नेता नहीं चाहिए, इतना करके अपने भाई को विराम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, देख सकते हैं उत्साह का माहौल है आज। जो प्रत्याशी है बेरोजगार पानेसर, वो अभी काफी माहौल उनसे थोड़ा सा हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। दादा थोड़ा सा जगह दे दीजिए, एक मिनट जगह दे दीजिए, एक सेकंड। अरे उधर क्या कहिएगा दादा, पूरा एकदम क्या लिख दिया है पूरा शरीर? आप खुद ही पढ़ लीजिए भैया, क्या क्या लिखे, जोश और जुनून है भैया। ये पानेश्वर महतो रामगढ़ विधानसभा, आप देखते हैं जयराम महतो का भी सभा में जाते जी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो को सरकार बनानी है, जहाँ जहाँ मैं एफर्ट कर पाता हूँ भाई, वहाँ वहाँ मैं पहुँचता, भले कोई भी प्रत्याशी हो, मुझे डिसीजन मैटर। मैंने जयराम महतो के जहाँ भी कोई भी कोई रहेगा, जहाँ तक पहुँच पाएंगे आप जाएंगे? बिल्कुल, जयराम महतो का अगर समर्थन में जो भी खड़े है, मैं वहाँ वहाँ पहुँचूंगा, जहाँ जहाँ तक मैं एफर्ट कर पाऊंगा। अभी आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, क्या रामगढ़ में कैची चलेगा इस बार? जी बिल्कुल, पूरा कैची चलेगी, और अगला का यहाँ पे जो भी खड़ा है सुनीता चौधरी पता करने वाला है, कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी दिनों से शासन करते आ रहे हैं, यहाँ पे रामगढ़ के लोगों को काफी तकलीफ होती आ रही है। अच्छा, ये जो शरीर में आप लगाते हैं ये कलर, ये छूट जाता है आसानी से क्या? इसके लिए छूटती है, थोड़ा गर्म पानी से नहला के थोड़ा समय लगती है, पर छूट जाती है। इसे कोई शरीर में कोई साइड इफेक्ट? फिलहाल अभी तक तो साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और होना भी नहीं चाहिए भगवान। मतलब जोश और जुनून में सब पार हो रहा है? सब पार हो रहा है। कहाँ से आए हैं? गोला रामगढ़ से। गोला रामगढ़ से आए हैं, क्या कहिएगा इस बार जयराम महतो की पार्टी रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, उनके सामने ममता देवी, सुनीता चौधरी दिग्गज नेता है, पानेश्वर महतो एक गरीब घर का लड़का है, क्या इस बार उनको टक्कर दे पाएंगे? यस, एकदम टक्कर दे पाएंगे, एकदम गरीब जनता सब हम लोग साथ में है, सुनीता चौधरी ना ममता देवी कोई टक्कर में नहीं है, सेफ कैंची चलेगा, बदलाव होगा। अच्छा, कल सुन रहे थे कि किसका एगो रैली था वहाँ 500-200 मिल रहा था,
आज कतरा कतरा दिया है आप लोगों को पान साल अपना पैसा कोई नहीं दिया है कोई पैसा कोई पार्टी में उतना दाम नहीं है जो कि जेल कम को खर्च सकता है। अच्छा आप लोग बिना पैसा के बिना पैसा अपने दाम पर मुर्गा तारो बदलाव भी करेंगे अपने दाम पर। क्या लगता है आप जो बोल रहे हैं बदलाव करेंगे ममता देवी है सुंदरा चौधरी है पूरा पैसा टक्कर में पैसा में सुनते हैं जनता बिक जाता है चुनाव के टाइम। बिल्कुल नहीं जेल का तो कोई नहीं बिक सकता है जनता जाग चुकी है अब पैसा में बिकने वाला नहीं है। जयराम महतो सबको जगा दिया सब जनता को आपके पार्टी को कहते हैं कि ये लोग 10-20 हजार वोट में सिमट जाएगा रामगढ़ विधानसभा। बिल्कुल नहीं हो सकता है नहीं ये हो नहीं सकता 70+ दोनों पार्टी के ऊपर आप लोग भारी पड़ रहे इस बार। ओ, बिल्कुल 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 अच्छा झंडा उंडा आप लोग अपने से बनाए कि बिल्कुल अपना से कुछ मिला है क्या पैसा उसे आप लोग बिना पैसा का है। मेरा बात है इतना कर दिया ना जो कि किसी का आवश्यकता नहीं मदद करने का हम लोग खुद खुद अपना खर्चा करके आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम जो लोग आए हैं और जो प्रत्याशी हैं वो अपना सभा को बातों को रख रहे हैं तो थोड़ा हम लोग रिपोर्टिंग को बंद करते हैं थोड़ा उनके बातों को सुन लेते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे जोहार।